नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट तिथि और आंसर की के बारे में कि कब आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है और कब इसकी आंसर की आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं, आपको ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर यह बिल्कुल घोषित किया गया है कि रिजल्ट कब आना है और कब आएगी RRB ग्रुप डी की आंसर की, यानी कि उत्तर कुंजी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हम आपको ले चलते हैं hindustan.com की वेबसाइट पर, जहाँ पर यह कंफर्म हो गया है कि आखिर रिजल्ट कब आना है और आंसर की जो है वह कब तक आएगी। इसमें आपके लिए कंफर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि इसमें आप लिखा है पहले से ही कि जाने कब आएगा RRB ग्रुप डी रिजल्ट और कब आएगी आंसर की। दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर जानकारी दी गई है, बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें कहा है रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की आंसर की जनवरी के पहले हफ्ते या पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जनवरी के मध्य आ सकती है और इसके बाद दोस्तों रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों RRB ग्रुप डी का रिजल्ट है वह जनवरी 1 जनवरी से 5 या 6 जनवरी के बीच आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न गलत प्रश्न रहेंगे उसकी आपत्ति दर्ज करने के 2-4 दिन रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वह घोषित किया जाएगा, यानी कि जनवरी लास्ट तक 31 जनवरी तक जो RRB ग्रुप डी का रिजल्ट है वह घोषित कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोस्तों, इसमें और आगे कहा गया है कि 63,000 पदों पर लग इस पर भर्ती के लिए परीक्षा की गई थी जिसमें 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इन सभी उम्मीदवारों को लगभग 3 महीने तक परीक्षा चली थी जिनमें विभिन्न देशों के अलग अलग केंद्रों पर इन लोग परीक्षा देने गए थे। दोस्तों, सभी लोग यहां पर परीक्षा रिजल्ट की और आंसर की का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो लगभग जिनका जो इंतज़ार है वह ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि दोस्तों दिसंबर का माह लगभग ख़त्म ही हो चुका है, 3 दिन और बचे हैं। इसके बाद दोस्तों जनवरी लग जाएगा, तो 1 जनवरी से 6-7 जनवरी के मध्य यहाँ पर जो आंसर की अपलोड की जाएगी और उसके बाद दोस्तों 20-25 दिन बाद रिजल्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप लगभग यह कन्फर्म मान के चलिए कि जो आपका आंसर की है वह जनवरी के फर्स्ट वीक यानी 1 से 7 जनवरी के मध्य ही आ जाएगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका 20 से 21 जनवरी के बीच आपका यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।